हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू धमाकेदार वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा प्राइमर जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना, बहुत रिसर्च की, उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए वो प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। तो जी हाँ, कौन सा है वो प्राइमर, आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। पहले कमेंट कीजिए, उसके बाद आगे की वीडियो देखना, देखते हैं कितने कमेंट्स इसमें आने वाले हैं। सो मैं बात कर रही हूँ फिर दोबारा से रेने की प्रोडक्ट की। रेने का प्रोडक्ट जो मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाया था, उसका मिडनाइट काजल, जिसका रिव्यू बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बहुत बिल्कुल ही बेकार एंड पैसा वेस्ट हो गया था उस प्रोडक्ट को लेने के बाद। तो उसके बाद मैंने फिर से एक बेवकूफ़ी कर ली और मैंने फिर से एक रेने का ही प्रोडक्ट फिर से परचेज़ कर लिया है। तो मैंने परचेज किया है इस बार ये प्राइमर जो है फिल्टर प्राइमर, बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर है इसका नाम, रेने की कंपनी का है ये। और ये प्राइमर कैसा होने वाला है आई डोंट नो, मैंने इसको भी यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हो कि अब ये पैक है, मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है। इसको ओपन करके इसका भी हम जानते हैं कि ये कैसा है, कैसा होने वाला है, इसका काम कैसा है, अच्छा है या बुरा है। मैंने सुना है इस प्राइमर की यूज़ करने के बाद आपको किसी भी फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सामने से देखने से आपको लगेगा कि आपने फ़िल्टर लगा रखा है, ऐसे इसमें इफ़ेक्ट आएगा नज़र। अब वो आएगा या नहीं आएगा वो तो इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल तो ये कार्डबोर्ड में पैकेजिंग में आया है और ये मुझे पड़ा था अराउंड 300 के आसपास पड़ा था, बट इस पर MRP जो मेंशन है वो 450 रुपीज़ मेंशन है और इसकी जो डेट है वो है 2023 की बनी हुई है, 2026 में इसकी एक्सपायरी डेट है। और इसका नेट वेट है 15 ग्राम इसका नेट वेट है और इंस्टेंट फाइन लाइन फिल्टर फिनिश स्मूथ स्किन इसके अंदर लिखा है। अब फाइन लाइन, मेरे को यहाँ स्माइल लाइन आती है, आप लोगों को पता है आई हैव ए स्माइल लाइन। अब ये रिमूव करेगा नहीं करेगा वो तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। और मैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ करने के बाद थोड़ा रहने वाली हूँ, थोड़ी देर काम करने वाली हूँ, तो मैं देखना चाहती हूँ ये कितनी देर तक मेरे फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, कितनी देर तक मेरा मेकअप फ्लॉलेस लगेगा या नहीं लगेगा। मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊँगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब कर लेते हैं इसको ओपन, मैं टेप ओपन कर रही हूँ। ओके, टेप ओपन हो गई है एंड दिस इज़ द प्राइमर। ओके, तो ये कांच की बोतल है, ग्लास है, ग्लास की बोतल है, आप देख सकते हो। ऐसे देखने में तो बड़ा क्यूट सा लग रहा है, पिंकी पिंकी थोड़ा सा क्यूट सा लग रहा है। और इस पे भी सेम ही चीज़ लिखी हुई है, इसमें भी आपको डेट मेंशन मिल जाएगी कि ये कब एक्सपायर होगा, कब नहीं होगा, पिल ऑफ हेयर। और इसको ड्राई प्लेस में रखते हैं, आप लोगों को सबको पता होगा मेकअप के ज़्यादा प्रोडक्ट हम ड्राई प्लेस में ही रखते हैं, फ्रिज में डाल के तो हम नहीं रखते। फ्रिज में डाल के जो पहले की लेडीज़ होती थी ना, वो फ्रिज में डाल के लिपस्टिक रख देती थी क्योंकि लिपस्टिक, कई लिपस्टिक ना मेल्ट हो जाती थी, तो फ्रिज में क्या होता था वो मेल्ट नहीं होती थी। जैसे कि हुड्डा की लिपस्टिक बहुत मेल्ट होती है, मैक की लिपस्टिक भी बहुत मेल्ट होती है, तो उनको फ्रिज में डाल के हम रख सकते हैं। तो अभी मैं इसको कर लेती हूँ ओपन। ओपन करने के बाद ये हमें मिला है इसका कैप। ओके, तो ये थोड़ा सा जेल फॉर्म में है प्राइमर, आप देख सकते हो जेल है बिल्कुल। फ्रेग्रेंस अच्छी है, अच्छी फ्रेग्रेंस है, प्लस पॉइंट आप इसको मिल चुका है कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और ये देखने में बहुत जेली जेली टाइप लग रहा है, आप देख सकते हो ये आ गया। तो अब इसको यूज़ करते हैं। मैंने अभी यूज़ किया हुआ है मॉइस्चराइज़र, मैंने निविया का मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया हुआ है। अब मैं इसको डायरेक्ट ही अपने फेस पे लगाने वाली हूँ। मैं कहाँ कहाँ लगाऊँगी, मैं मेरे को जहाँ पे स्वेट आता है मैं वहाँ लगाऊँगी और बाकी जगह मैं थोड़ा ही लगाऊँगी, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा फॉरहेड पर लगाऊँगी। अपनी नोज़ को बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि सबसे ज़्यादा स्वेट आपकी नोज़ पर ही होता है, बचा हुआ इधर उधर। मैंने कैप में ही जितना था उतना ले लिया, तो इसको मैं बंद करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ।
अभी जो मेरी स्किन है यहाँ कुछ नहीं लगा है, तो मतलब ऐसे नॉर्मल होता है ना, हल्की सी ड्राई स्किन, मेरी हल्की सी ड्राई स्किन है वैसा ही है। अब इसको मैं ब्लेंड करती हूँ। मैं अपनी फाइन लाइन पे, स्माइल लाइन पे ज़रूर इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। इसको लगाने से मुझे ये फील हो रहा है कि स्किन बहुत ज़्यादा ना ऐसी सॉफ्ट हो गई है, आप बोल सकते सिलिकॉन बेस टाइप का स्किन हो जाता है, वैसा मेरा स्किन हो गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसे हाथ करने से ऐसे फिसल रहा है खुद। अभी मैं आपको पास स्किन दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा स्किन बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। कैमरे में इतना अच्छे से विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा पता नहीं, बट ऐसे छूने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। इस टाइम मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, आप देख सकते हो, नो मेकअप, कोई मेकअप नहीं है। जस्ट वेट, मेरे को कॉल इतने आ जाते हैं ना, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। वेट, सो गाइज मेरा प्राइमर हो गया है डन, और ऐसे छूने में मुझे बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी स्किन लग रही है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन लग रही है। मेरा दिल कर रहा है जैसे मैं मेकअप ना करूं और मैं ऐसे ही रहूं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी मैं विदाउट मेकअप हूँ, मैंने अभी कोई मेकअप नहीं कर रखा, अभी मैं मेकअप कर लेती हूँ, मेकअप करने के बाद आपसे मिलती हूँ, देन उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मेकअप के बाद मेरा स्किन कैसा लग रहा है। या और दूसरी चीज़, मैं आप ही के सामने मेकअप कर लेती हूँ, मैं क्यों बाहर जाके मेकअप करूँ, है ना, तो मैं यहीं कर लेती हूँ। मैं लगा रही हूँ मार्स का फाउंडेशन, और मैं बहुत ही कम लेने वाली हूँ क्योंकि मेरे को घर में रहना है, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेती हूँ, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। इसी को मैं पूरे अच्छे से लगा लूँगी। अभी भी बच गया है, ज़्यादा ही निकल गया है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी बच गया है। अच्छा हुआ मैं थोड़ा सा अपनी नेक पे लगा लूंगी। सो अभी तो फाउंडेशन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, नाइस वर्क। आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं टिंट लगा रही हूँ हुड्डा रोज का, क्या ही नाम है, हुड्डा ही रोज है ना, हुड्डा कलर, सॉरी हुड्डा कलर का थोड़ा सा मैं टिंट लगा रही हूँ। इन सब चीज़ों को लॉक करने के लिए मैं लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ, और बहुत ही लाइट लगाऊंगी ट्रायंगल पफ से। ओके, हो गया है डन। अभी मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ काजल। मैं काजल लगा रही हूँ एलिटीन का, क्या मैं मश्कारा लगा रही हूँ मार्स का डबल ट्रबल मश्कारा। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आईज के अंदर कुछ चला गया है।
डन। आईब्रोज के लिए मैं लगाती हूँ ये ए लाइन नहीं बोलते, क्या बोलते इसको, भूल गई, ए लाइन ही बोलते शायद से, जो कि मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ, बस दो मिनट, कुछ दिखाने वाली, कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ये हो गया है डन। अभी मैं लगा लेती हूँ अपनी फेवरेट लिपस्टिक। आप लोगों को पता है कि मेरी फेवरेट लिपस्टिक कौन सी है, तो मेरी फेवरेट लिपस्टिक है मेबलिन की सुपर स्टे लिक्विड लिपस्टिक, एंड ये बहुत ग्लॉसी लिपस्टिक है। जो मैं लगा रही हूँ वो है शेड 15 पीची शेड में अप्लाई कर रही हूँ, और इसको ऐसे शेक करके फिर करना होता है यूज़। मुझे बहुत पसंद है ये पीची शेड। अब जो लास्ट में बारी आती है, मैं जो बोल रही हूँ आप लोगों को दिखाने की, सबसे पहले तो मेरा मेकअप हो गया है डन, और मेरी स्किन अभी फ़िलहाल अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नेचुरल मेकअप किया है, मैंने बहुत ज़्यादा हाई मेकअप नहीं किया है, बहुत ही नेचुरल सा है। सो मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ वो है, मुझे अभी दिखाई दे रहा है कैमरे में, आई डोंट नो वो दिखेगा या नहीं दिखेगा, मुझे यहाँ पे हल्का सा पैच बन गया है, ये देखो दिख रहा है आपको, ये पैच नॉर्मली मुझे नहीं बनता है, बट आज मुझे ये पैच बन गया है, और यहीं इसी एरिए में मुझे हल्का मेकअप बोलते ना, फटा ड्राई सा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ भी हल्का सा लग रहा है, और मेरी इस नोज़ पे हल्की ड्राइनेस आ गई है। ड्राइनेस आप देख सकते हो, आपको दिख रही होगी हल्की ड्राइनेस यहाँ पर आ गई है, जो कि मैं नॉर्मल मेकअप करती हूँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, और मुझे हल्का सा पैच यहाँ और यहाँ भी आया है, बिल्कुल लाइट सा पैच आया है, ज़्यादा नहीं आया है, इस साइड भी आया है, इस साइड भी आया है। सो लेट्स सी कि ये कितना वर्क करने वाला है। अभी बज रहे हैं दिन के 2 बज रहे हैं, और अभी मैं आपको 2-4 घंटे बाद ही मिलूंगी एंड दिखाऊंगी कि ओवरऑल मेरे मेकअप के साथ क्या हुआ है। तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी दबा देना। शेयर सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है नीचे ही, उसको क्लिक कर दो फटाफट से जल्दी, बेल आइकन दबा दो, लवी बोल रही बेल आइकन दबा दो जल्दी से बेल आइकन दबा दो। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में नहीं, कुछ घंटों में, मैं आपको कुछ घंटों में नहीं मिलूंगी, वीडियो में ही मिलूंगी, अभी बिल्कुल चलते चलते वीडियो भी मिल जाऊंगी, लेकिन वैसे मैं वीडियो आपकी 2 घंटे बाद शूट करने वाली, 2-3 घंटे बाद। गाइज़ अभी मुझे फाउंडेशन और प्राइमर वेयर के ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स हो चुके हैं, एंड आप देख सकते हो कि मुझे कितना ज़्यादा स्वेट आ रखा है, आपको मैं पास दिखाती हूँ, इतना ज़्यादा स्वेट यहाँ आया है, इस एरिए में आया है, नोज़ के पास पूरा, आई के नीचे, एंड बट अभी भी स्टिल लग रहा है कि फाउंडेशन एज इट इज़ है। मैं सेट भी अब कर मूव करती हूँ, ऐसा कुछ लगा नहीं है मेरे हाथ में कि कुछ आया हो निकल के, बट देखते हैं थोड़ी देर बाद और, अभी 2-3 घंटे हुए हैं, अब 1-2 घंटे बाद और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आने वाला है। गाइस मुझे फाउंडेशन वेयर करे हुए पूरे के पूरे 8-9 आवर्स हो चुके हैं, एंड अभी आप मेरा फेस देख सकते हो कि मेरा फेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि फाउंडेशन अभी भी है मेरे, और सबसे बड़ी बात मुझे स्माइल लाइन नहीं आई, आप देख सकते हो मुझे स्माइल लाइन बहुत जल्दी आ जाती है, मुझे स्माइल लाइन नहीं आई, और इसने मतलब अच्छा काम किया है, मैं नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, बट हाँ
रेने का ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, इसने अच्छा काम किया, तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हो। और अभी मैं नींद में हूँ तो शायद मैं इसलिए कुछ भी बोल रही हूँ तो उसको माइंड ना करना। तो डेफिनेटली आप ये परचेज कर सकते हो, अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही सस्ता है, क्योंकि नॉर्मली भी आप अगर प्राइमर अच्छी कंपनी का लेते हो, अच्छी ब्रांड का लेते हो, तो वो आपको कॉस्टली ही मिलता है, सब 1000 के ऊपर ही जाता है। ये 300-400 में आपको मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। बाकी ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम कर लिया इतनी देर में, बहुत चीज़ें मैंने कर ली हैं, मैंने बहुत ज़्यादा। और अभी आप देख सकते हो कि मुझे मेकअप करने की अभी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी स्किन वाकई बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम भी। तो डेफिनेटली आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और फिर आप लोगों को क्या करना है उसके लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय।